वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन के निर्देश पर नगर निगम में विकास कार्यों के लिए निगम आयुक्त ने 5 नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं, जो शहर में विकास कार्यों, तालाबों के सौंदर्यीकरण सहित नगर निगम के नए कार्यालय भवन पर कार्य करेंगे। वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने भिलाई नगर निगम के आयुक्त रोहित व्यास से मुलाकात के दौरान शहर के विकास सहित नगर निगम के नए कार्यालय भवन निर्माण को लेकर प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए थे। इस निर्देश का पालन करते हुए नगर निगम आयुक्त रोहित व्यास ने 5 अधीक्षण अभियंताओं को नोडल अधिकारी बनाकर विकास कार्य के लिए निर्देशित किया है। भिलाई नगर निगम के नए कार्यालय भवन को लेकर 20 वर्षों से की जा रही मांग अब जाकर पूरी होने जा रही है। आयुक्त रोहित व्यास ने इसके लिए अधीक्षण अभियंता संजय बागड़े एवं कार्यपालन अभियंता शरद चावड़ा को जिम्मेदारी दी है। इसके अलावा रिहायशी क्षेत्र से अब शराब दुकानें भी हटाई जाएंगी। अधीक्षण अभियंता मनोज ठाकुर वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र में संपूर्ण तालाबों के सौंदर्यीकरण के लिए विस्तृत प्लान तैयार करेंगे। निगम आयुक्त रोहित व्यास ने अन्य अधिकारियों को भी शहर विकास के लिए जिम्मेदारियां सौंपी हैं, जिस पर अमल भी शुरू हो चुका है। वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने आयुक्त के साथ हुई बैठक में सौंदर्यीकरण सहित विकास कार्य को लेकर दिशा निर्देश दिए थे। उसी के आधार पर निगम अधिकारियों को अब जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।